अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने चैनल मुख्तलिफ ज़ायके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही फ्लेवरफुल अवधी चिकन की अवधी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है और बहुत लाजवाब होती है। मटन की अवधी बिरयानी यानी इदरीस बिरयानी के नाम से जो फेमस है लखनऊ में, वो मैं बना चुकी हूँ और चैनल पर अपलोड भी कर चुकी हूँ। तो ये देखें कैसे खिले खिले चावल की ये बिरयानी बन के रेडी हुई है और बहुत ही फ्लेवर फुल होती है। सारा मसाले जो होते हैं वो फ्लेवर पे बेस होते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। पॉट में एक सर्विंग स्पून देसी घी ले लिया है और देसी घी के साथ साथ यहाँ पर हमने पौना कप ऑयल लिया है। अगर आप चाहें तो पूरे घी में भी बना सकते हैं। घी तेल थोड़ा सा ज्यादा जाता है इस बिरयानी में और वैसे भी चिकन काफी रूखा सा होता है तो चिकन में हमें थोड़ी चिकनाई की ज्यादा ही जरूरत लगती है, तो इसकी आप बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिएगा। तो चलें अब इसको हम मेल्ट होने देते हैं। अगर हमें लगा कि घी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है तो इसमें बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि ये इसकी जो तरी होती है वो बाद में हमारे काम आएगी। वो आप में आगे रेसिपी में देखना है कि किस तरह से ये काम आएगा। घी यहाँ और ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज की प्याज ले ली है और इसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक आपने कुछ खड़े मसाले नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पर हमने तीन तेज पत्ता ले लिया है। तेज पत्ता हमारा बड़ा साइज का था तो एक बड़े साइज के हमने दो पीस कर लिए हैं और एक छोटा, यानी मीडियम साइज के हो तो आप दो तेज पत्ता ले सकते हैं। एक चने बराबर आप जायफल ले लें, जायफल का टुकड़ा, दो बड़ी इलायची, छह हरी इलायची, छह लौंग, आधा चाय का चम्मच आपने लेना है काले मिर्च, तीन स्टार अनीस की कलियां लेनी है और दो इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है और हाफ लेना है आपने ये इस तरह से जावित्री। ठीक है, तो ये हमारा प्याज काफ़ी हद तक होने आई है तो अभी ये चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो सब चीज़ों का अच्छे से आ जाए इसमें। प्याज में सुनहरा सा यानी गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। तो यहाँ पर हमने एक किलोग्राम चिकन ले लिया है। चिकन डालने के बाद आप चिकन को एक से डेढ़ मिनट अच्छे से फ्राई कीजिएगा। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें आप शामिल कर दें तीन टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स करें और थोड़ा फ्राई करें। चलें अब इसके साथ साथ हम शामिल कर देंगे नमक और मिर्च। यहाँ पर हमने 1.5 टीस्पून नमक ले लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने पीली मिर्च ली है 2 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच ली है लाल मिर्च। तो लाल मिर्च में हम कश्मीरी मिर्च शामिल करके रखते हैं नॉर्मली, ताकि जो भी डिश बनाए उसका कलर अच्छा है। पीली मिर्च नहीं है तो लाल मिर्च से भी आप काम चला सकते हैं। वैसे पीली मिर्च ऑनलाइन भी मिल जाती है, यूपी वगैरह में तो बहुत आराम से मिलती है और ये दिल्ली में भी मिल जाएगी आपको। तो चलिए इसको भी हम अच्छे से 1 चम्मच चला देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये सारे प्रोसेस आपने अब करने हैं स्लो फ्लेम पर, क्योंकि पाउडर मसाले जो हैं वो जलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स। अब हमने शामिल करना है यहाँ पर 5 टेबलस्पून भर के दही। ये अच्छा थिक दही है और दही हमारा खट्टा नहीं होता है, हम मीठा दही यूज़ करते हैं कि जो भी रेसिपी हम बनाएं तो वो सही बने, उसमें खट्टापन ना आ जाए। तो अब इसे हम 1.5 से 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे दही के साथ, ताकि दही, अदरक लहसुन और जो मिर्च मसाले डाले हैं हमने, यानी मिर्च और नमक डाला है, वो अच्छे से सब यकजान हो जाए। अब फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से भूनेंगे। यखनी हमारी काफी अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए जो इसकी मेन जान है सौंफ। रहे 1.5 टेबलस्पून भर के सौंफ।
सौंफ आपने बाद में ही शामिल करनी है। और अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स और अब गलाएंगे इसको हम। नॉर्मली तो 20 मिनट में ये चिकन गल जाता है, लेकिन यहाँ आपने ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि इसको हमने दम पे भी पकाना है बाद में। तो इसको हम पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। तो अब हमने इसको गलने के लिए पानी शामिल करना है इसमें। दो कप हमने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है और अब इसको हम एक उबाल आने के बाद इसको फ्लेम स्लो करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। उससे पहले हमने एक चीज और शामिल करना है जो इसके फ्लेवर को इन्हांस करेगी। यखनी में बॉईल आने लगा है। अब यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और 1 टीस्पून रोज वाटर। और इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। अब फ्लेम हमने स्लो कर देनी है और इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। रेडी हो रही है, तब तक हम यहाँ पर सैफरन को क्रश करके हम सोक करेंगे। क्रश करके सोक करने से फ्लेवर और कलर दोनों ज़्यादा इन्हांस होकर आता है। और ये सैफरन जो है मुझे मेरी भतीजी जो ईरान से लेकर आई थी, जरनास काजरोनी, तो उसने मुझे ये दिया है और ये बहुत ही फ्लेवरफुल ओरिजिनल है। तो चलें आज इसका यूज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच जरनास। तो यहाँ पर हमने एक चुटकी ले लिया है और ये ओरिजिनल है तो कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसको अब आपने करना क्या है, चलिए इसको पैक करके रखते हैं और इसको कर लेते हैं हम क्रश अच्छे से। सैफरन हमने सोक करके रख दिया है, देखा आपने कैसे क्रश किया है। और ये ट्रिक भी उन्हीं लोगों ने बताई थी, जरनास काजरोनी ने, और उनके हस्बैंड रेजा काजरोनी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो ये लोग मेरे लिए सैफरन लेकर आए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पर हम 1 किलो राइस ले लिया है हमने, यह है बासमती फुल ग्रेन राइस। तो इसको हमने 3 से 4 पानी से वॉश करना है मलमल के अच्छे से, ताकि इसकी डस्ट जो है, इसमें जो रेता या मिट्टी होती है वो निकल जाए। और इसको हम सोक कर देंगे आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से आपने राइस को करना है। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मलमल के वॉश करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चावल जो है वो टूट जाते हैं। तो बस इस तरह से आप करें। और करने के बाद ये देखें पानी कितना गंदा हो गया, क्योंकि इसको प्रिजर्व करने के लिए वो लोग कुछ पाउडर वगैरह लगाते हैं जिसका निकल जाना बहुत ज़रूरी है। इतना वॉश करना है आपको कि पानी जो है वो आपका ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। दस से बारह मिनट हो चुके हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। देखें चिकन ने गलना शुरू कर दिया है और इसकी पहचान ये होती है कि ये बोटी इससे अलग होना शुरू हो जाती है। तो चिकन हमारा जितना हमको गलाना है, तकरीबन आपने 75-80% गलाना है, 100% नहीं गलाना है। तो इसको अब हम कर देंगे बंद और अब हम बाकी की तैयारी शुरू करते हैं। चिकन को हमने यखनी से सेपरेट कर लिया है और यखनी को हमने छन्नी की मदद से छान लेना है।
देखा आपने यखनी को हमने किस तरह छाना है छन्नी की मदद से, और प्रेस कर करके इसका सारा अर्क जितनी भी यखनी थी वो सब हमने निकाल ली है और इसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये आप देखें कितनी अच्छी सी अपनी यखनी निकल कर रेडी हुई है। बस ये अब यूज होगी और इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसमें से सारे फ्लेवर जो है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जो इसमें खास मसाला जाता है वो बना रहे हैं। तो मसाला वो इस तरह से है कि 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर है, यानी दखनी मिर्च का पाउडर, यानी सफ़ेद काली मिर्च, काली जो मिर्च होती है उसी में एक सफ़ेद मिर्च होती है, तो उसका ये पाउडर है 1/2 टीस्पून। ये बना हुआ रेडी मिल जाता है। 1 टीस्पून फुल शुगर है। अब जो मसाला हमने ग्राइंड करना है वो आपको इस तरह से बता रहे हैं। 1/2 जावित्री का टुकड़ा है, 2 स्टार अनीस की कलियां लेनी है आपने, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 लेनी है लौंग, 1/2 जायफल का टुकड़ा, 1/4 नटमैग का टुकड़ा, 8 हरी इलायची लेनी है। इलायची का साइज छोटा है हमारे पास इसलिए हमने 8 लिया है, अगर बड़े साइज की हैं तो आपने 6 लेनी है, 2 चाय के चम्मच सौंफ है और 1 चाय का चम्मच है जीरा। तो अब आपने इसको अच्छे से फाइन सा पाउडर पीस लेना है। और आप एक काम करें कि इसमें ये भी पाउडर भी डाल दें आप, व्हाइट पेपर पाउडर, ताकि ये सब अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। तो इसको अब हम पीस के लाते हैं पाउडर फॉर्म में। अब ये यखनी वाले प्रोसेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रही हमारी यखनी और इसमें जाएगा 1 कप अच्छा मलाई वाला दूध, और जो हमने ये फ्लेवरफुल मसाला पीसा है खुशबुओं का, इलायची वगैरह का, ये पूरा पाउडर मसाला इसमें आप डाल दें और थोड़ा सा रोक लें बाद में दम पर लगाने के लिए। तो इसमें से हम 1 टीस्पून जितना रोक लेते हैं, तो अपना ये जो स्पून है इसमें ही रख लेते हैं, ऊपर से थोड़ा दम पर लगा देंगे तो चावल में ऊपर तक भी बहुत अच्छे से मजा आएगा। तो ये 1 टीस्पून हमने रोक लिया और बाकी का पूरा मसाला जो है वो इसमें चला जाएगा। और अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स कि कोई लम्स ना रहे इसमें। तो चलें ये यखनी हमारी रेडी हो गई, अब पकाते हैं राइस को। एक बर्तन में हमने 4 लीटर पानी डाल दिया है, 3 से 4 लीटर पानी डाल दें आप, और इसमें तेज पत्ता डाल दें इस तरह से, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें, 1 स्टार अनीस की कली डाल दें और 4 से 5 हरी इलायची। ये सब चावल में फ्लेवर के लिए डाला जाता है। और अब यहां पर डालेंगे हम नमक, तो 3 टीस्पून यानी 3 चाय के चम्मच नमक डाला है। और जब राइस डालेंगे तो एक बार टेस्ट कर लें कि पानी में नमक थोड़ा सा तेज मालूम देना चाहिए, जब तेज मालूम देता है तो राइस में वो बैलेंस होकर आता है। तो अभी इसमें एक उबाल आने देंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें ऑयल या घी डाल दें जैसा आप चाहें, 1 टेबलस्पून जितना, इससे चावल आपस में चिपकता नहीं है। पानी में अच्छे से उबाल आ चुकी है, इसमें नमक हमें कम लग रहा था तो 2 चाय के चम्मच नमक और ऐड किया है, जैसा आपको बताया कि इसमें नमक थोड़ा तेज की तरफ जाता है। और अब इसमें आप संभाल कर शामिल कर दें चावल जो आधे घंटे से हमने सोक करके रखे हुए थे, सारे बाउल में से क्लीन करके आप डाल दें इसमें। अब जैसे ही चावल पानी में जाता है इसका टेम्परेचर हो जाता है डाउन, अब आपने इंतज़ार करना है ताकि अच्छे से बॉईल आने लगे। जब बॉईल आने लगेगी तो आपने 3 मिनट बॉईल करना है और फिर पानी को ड्रेन करके छन्नी में चावल को छान लेना है, फिर बिरयानी बनाने का प्रोसेस आगे का शुरू करेंगे। चावल को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और चावल
अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें कुक करना है उतना ये रेडी है। इसमें काफ़ी कनी होती है और थोड़े गले हुए भी मालूम देते हैं, बस इतने पे ही आपने फ्लेम बंद करनी है और चावल को छान लेना है। अभी राइस हमने छान कर रख लिए हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमने राइस छान के रखे हैं, पॉट वापस रख लिया है, यानी ये भगोना हमने वापस रख लिया है। अब करना क्या है, जो यखनी आपने छान कर रखी थी वो आप इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ साथ इसमें शामिल कर देंगे चिकन, और अब इसमें आने देंगे एक उबाल। इसमें बॉईल आने लगा है, अभी से आप 1.5 से 2 मिनट कुक करें ताकि फ्लेवर जो है चिकन में अच्छे से बैठ जाए। 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं, यखनी में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब आपने करना क्या है, जो चावल पका कर रखे हैं वो चावल आपने सब साइड इसमें बिछा देना है। फ्लेम आपने फास्ट ही रखनी है। ये हो गया। अब हमने जो ये पाउडर रोका था, इस पाउडर को हम सब साइड स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऊपर से स्प्रिंकल करना ऑप्शनल है, ये मैंने चिकन वाले में शामिल किया है, अदरवाइज आप साथ में भी मिला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून रोज वाटर, और इसमें 2 से 3 कतरे हमने डाले हैं केवड़ा एसेंस के, तो इसको भी आप सब साइड में इस तरह से डाल दें। उसके बाद ये घी और ये जो हमने तरी उतारी थी, इसकी रोगन उतारा था, इसको सब साइड डाल देंगे। तो ये भी हमारा गल गया। अब डालना है, बारी आई है जाफरान की, और जाफरान को आप देखें कि कूट कर इस तरह से सोक किया था, आधा पौना घंटा हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। तो आप भी इस तरकीब से जाफरान को डालिएगा। तो अब आपने जाफरान को सब साइड में डाल देना है। अगर आपके पास जाफरान नहीं है तो आप ऑरेंज फूड कलर या जर्दे वाला कलर भी डाल सकते हैं, या रेड कलर और ये वाला कलर भी डाल सकते हैं जर्दे वाला, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा डाल सकते हैं। चलें, अभी फास्ट फ्लेम है, इसको हम 5 मिनट के लिए फास्ट फ्लेम पर रखेंगे, और फिर 20 मिनट के लिए दम लगाएंगे स्लो पर। चाहे तो नीचे हैवी बॉटम तवा लगा सकते हैं अगर आपका पॉट हैवी बॉटम नहीं है। बस ये देख लें कि इसमें अच्छे से देखें स्टीम माशाल्लाह आने लगी है, तो 5 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप अभी स्टीम बनने के बाद 5 मिनट रुकेंगे तो कहीं ये जो यखनी है वो सूख ना जाए और राइस प्रॉपर तरीके से फिर कुक नहीं होगा। तो अभी हम फ्लेम को स्लो कर दिया है हमने, और अभी हम 20 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, चलें इसको चेक कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसमें जो हमने यखनी डाली थी वो नीचे गीलापन तो नहीं है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, एक ऐसा डंडी, लंबी डंडी वाला चम्मच ले लेना है, और बीच से आपने इस तरह से इसमें डाल के देखना है। तो ये देखें, ये बिल्कुल आपका सूखा होना चाहिए, तो इसका मतलब है चावल आपके दम आ चुके हैं। तो इसे अब हम इस तरह से भी चेक कर लेते हैं। लीजिए नाजीन, ये चिकन की अवधी बिरयानी रेडी है। ये बहुत फ्लेवरफुल बनी है, पूरा किचन माशाल्लाह हमारा महक रहा है खुशबुओं से, और ये वैसे ही बहुत फ्लेवर पे बेस होती है, खुशबुओं के फ्लेवर पे बेस होती है, कम मसालों की होती है और बहुत जायकेदार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नाजरीन, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मुख्तलिफ जायके की आपको हरदम मिलती रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ सीमा शेख आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।